ऐसी मखलूक जो कुछ लोगों के लिए मसीहा तो कुछ लोगों के लिए एक ऐसा फितना और शर है, जिसे एक मजहब के मानने वाले अपना निजात दहिंदा और दूसरे मजहब के पैरोकार इसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। कुर्बे क्यामत में जाहिर होने वाली आखिर ये शख्सियत कौन है? जब वो जाहिर होगा तो दुनिया में कैसा फसाद बर्पा होगा, और क्या दौरे हाजिर में उसके आने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? दुनिया की बदी में दो बड़े नाम में से एक नाम शैतान का है और एक दज्जाल का। कहा जाता है कि अल्लाह पाक ने दज्जाल को पैदा फरमाकर मशरिक की जानिब कुरए अर्ज के किसी दूर दराज जजीरे में कैद करके रखा है। दज्जाल दुनिया का सबसे ज्यादा काबिल नफरत शख्स है, जिसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का सबसे बड़ा फितना करार दिया है और उसके शर से पनाह मांगने की दुआ फरमाई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दज्जाल सबसे ज़्यादा काबिल इज्जत है, जिसे वो अपना मसीहा करार देते हैं। उनका ये कहना है कि मसीह दज्जाल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, जो दुनिया में यहूदियत कायम करेगा और हज़रत दाऊद की बादशाहत को ज़िंदा करेगा। यहूदियों का ईमान है कि दज्जाल की आमद के बाद दुनिया भर के गैर यहूदियों को कत्लेआम कर दिया जाएगा। दज्जाल मस्जिद अक्सा को शहीद करके हेकले सुलेमानी की तामीर करेगा। इसके बाद पूरी दुनिया पर बनी इसराइल की हकूमत कायम होगी। यही वजह है कि दुनिया भर के यहूदी एक तवील अरसे से मसीह दज्जाल के आने का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि आज तो उसके आने की इस्तकबाल की तैयारियाँ भी मुकम्मल हो चुकी हैं। यहूदियों की मुकद्दस किताब तलमूद के मुताबिक के दज्जाल इंसानों की तरह ही पैदा होगा और परवरिश पाएगा। उसके बाद बहुत ही पुलिसरार ताकतें होंगी, उन्हीं ताकतों के बलबूते पर वो यहूदियों का निजाते दहिंदा बनकर आएगा। यहूदियों के मुताबिक के वो नस्ल इंसानियत का अजीम बादशाह होगा। उसके ज़माने में सारे मजाहिब ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ यहूदियत ही बाकी बचेगी। अगर दज्जाल के आमद की बात करें तो यहूदियों के मुताबिक उसकी उम्र 6000 साल है, जिसे वो जॉर्जियन कैलेंडर कहते हैं। उनकी किताब के मुताबिक इस कायनात की तख्लीक से लेकर 2240 साल गुजर चुके हैं, और 6000 साल के आखिरी सालों में मसीह दज्जाल की आमद होगी। इस्लामी किताबों में दज्जाल का तफसीली जिक्र मौजूद है और उसकी आमद की तमाम पेशनगोइयों को बयान किया गया है। दरअसल दज्जाल के मायनी फरेबी, धोखेबाज, झूठे और गुमराह कुन शख्स के हैं। इस बदतरीन शख्स का नाम दज्जाल इसलिए रखा गया कि झूठ फरेब का धोखेबाजी में सबसे अव्वल नंबर पर होगा। लिहाजा हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर तक कोई मखलूक दज्जाल से बुरी ना होगी। इसी तरह दज्जाल के हुलिये के मुताबिक अगर मुख्तलिफ किताबों और अहादीसों को जमा किया जाए तो वो कुछ यूं बनता है। दज्जाल पस्ता कद, भारी भरकम जिस्म और मकरूर चेहरे वाला होगा। उसके बाल घुंघराले और बेतरतीब होंगे और दाहिनी आंख कानी होगी, जैसे अंगूर का उभरा हुआ दाना हो, और दोनों आंखों के दरमियान यानी माथे पर काफिर लिखा होगा। अगर खरूज दज्जाल के बारे में बात करें तो यहूदियों के अकीदे के मुताबिक कि मसीह दज्जाल रूम के दरवाजे पर आएगा, वो बनी इसराइल को अपने इर्द गिर्द जमा करेगा और यरूशलम की तरफ लेके जाएगा। फिर वो हेकले सुलेमानी यानी थर्ड टेंपल की तामीर करेगा। जबकि इस्लामी कुतुब के मुताबिक दज्जाल इस्फहान शहर से निकलेगा। दज्जाल इस रूहे ज़मीन में 40 दिन रहेगा, जिसमें एक दिन एक साल के बराबर, एक दिन एक माह के बराबर, एक दिन एक हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी अयाम साल के आम दिनों की तरह होंगे। उस वक्त दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। रूहे ज़मीन का कोई मैदानी, सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा ना रहेगा जहां पर वो ना गया हो। अलबत्ता मक्का और मदीना पर फरिश्तों का पहरा होने की वजह से वो उसमें दाखिल ना हो पाएगा। दज्जाल तरह तरह के शोखेबाजी और करिश्मे दिखाकर लोगों का ईमान बर्बाद करेगा। उस दौर में दज्जाल के पैरोकारों के अलावा बाकी लोग सख्त तकलीफ में होंगे। दरअसल बाबुल की असीरी और यहूदियों की सेकल टेंपल की तबाही के बाद यहूदी अपने इस मसीह का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। यही वजह थी कि जब ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद को नबी करार दिया
और लोगों को अपनी तरफ बुलाया तो यहूदियों ने आपको सूली पर चढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि उनके नज़दीक मसीह नऊज़ बिल्लाह दज्जाल थे, और आज भी वो उन्हें फॉल्स मसीह कहते हैं। दज्जाल के खात्मे को कुतुब के हिसाब से अगर एक जगह जमा किया जाए तो वो कुछ यूं होता है कि दज्जाल जब पूरी दुनिया में फितना और फसाद फैला चुका होगा तो वो मुल्क शाम रवाना होगा। उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही अल्लाह पाक हज़रत महदी अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाएंगे और आप दमिश्क आ चुके होंगे, लिहाजा हज़रत इमाम महदी दज्जाल के साथ जंग करने की तैयारियां मुकम्मल करेंगे। बस उसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के कंधे पर सवार होकर दमिश्क के मशरकी मस्जिद की जानिब मीनार पर नाजिल होंगे और हज़रत इमाम महदी से मुलाकात करेंगे। हज़रत इमाम महदी नहायत ही खुश अखलाकी और मोहब्बत के साथ आपसे पेश आएंगे और फरमाएंगे, या नबी अल्लाह इमामत कीजिए। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे कि इमामत आप ही फरमाएं, क्योंकि ये इज़्ज़त इस उम्मत को खुदा ने दी है। बस हज़रत इमाम महदी नमाज पढ़ाएंगे और हज़रत ईसा आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। नमाज से फारिग होकर हज़रत इमाम महदी हज़रत ईसा से कहेंगे कि या नबी अल्लाह, अब लश्कर का इंतज़ाम आपके सुपुर्द है, जिस तरह आप चाहें अंजाम दें। वो फरमाएंगे, ये काम आप ही अंजाम दें, मैं तो सिर्फ दज्जाल को कत्ल करने के लिए आया हूँ, जिसका मारा जाना मेरे ही हाथ से मुकद्दर है। जब रात गुजर जाएगी तो सुबह को हज़रत इमाम महदी फ़ौज के साथ मैदान में तशरीफ़ लाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मेरे लिए घोड़ा और नेज़ा लाओ ताकि मैं उस मलऊन के शर से ज़मीन को पाक कर दूँ। बस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल पर और इस्लामी फ़ौज दज्जाल के लश्कर पर हमलावार होगी और खूब घमसान की जंग होगी। दज्जाल का लश्कर निस्तो नाबूद हो जाएगा, दज्जाल आपके मुकाबले से भागेगा, आप उसका ताकुब करेंगे और मकामे लुत तक जा पहुँचेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नेज़े से उसका काम तमाम करके लोगों पर उसकी हलाकत का इजहार करेंगे। कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अगर उसको कत्ल ना भी करते तो भी वो आपकी सांस से इस तरह पिघल जाता जैसे नमक पानी में पिघलता है।